नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे रिवोल्ट मोटर्स एंड रतन इंडिया की। आप लोग जानते हैं कि रतन इंडिया ने रिवोल्ट मोटर्स को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था जनवरी के मिड में, एंड तब से लेकर के अब तक बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं कंपनी में, एंड उनमें से कुछ बदलाव की आज मैं बात करूंगा। देखिए, ये बदलाव रिवोल्ट मोटर्स खुद भी कर सकती थी, मगर रिवोल्ट मोटर्स ने अपने दम पर यह काम नहीं किया। अब ये चाहे उनके मैनेजमेंट की कमी मान लीजिए, सीईओ की कमी मान लीजिए जो कि राहुल शर्मा थे, या कुछ और कमी मान लीजिए, लेकिन रिवोल्ट इंडिया अपने दम पर यह काम नहीं कर सकी। इसलिए रिवोल्ट की सेल लगातार डाउन होती जा रही थी, रिवोल्ट पिछड़ती जा रही थी, मगर रतन इंडिया ने वो काम कर दिखाया है जो रिवोल्ट मोटर्स ने नहीं किया था। तो कौन से ये बड़े काम है, तीन कामों की आज मैं बात करूंगा। देखिए, पहला काम, रिवोल्ट मोटर को जैसे कि मैंने बताया एक्वायर किया जनवरी के मिड में रतन इंडिया ने, एंड दोस्तों फरवरी 20 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो प्रोडक्शन हुआ है ना, वो मैं आपको बता दूं कि 4 गुना प्रोडक्शन हुआ है। पहले जो रिवोल्ट मोटर्स प्रोडक्शन करती थी उसका 4 गुना प्रोडक्शन सिर्फ 40 दिनों में करके दिखाया है रिवोल्ट मोटर्स ने। कैसे, ये आपको बताता हूँ। देखिए, रिवोल्ट मोटर्स जो पहले प्रोडक्शन किया करती थी वो उसका जो उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1500 बाइक्स पर मंथ, ठीक है, 1500 बाइक्स पर मंथ बनाया करती थी रिवोल्ट। मगर इसकी बात करें अगर रतन इंडिया की, जब से इन्होंने एक्वायर किया तो 20 फरवरी से इन्होंने डाटा दिया है, 20 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक यानी कि करीब 40 दिनों में इन्होंने 6500 बाइक्स बनाई है, प्रोडक्शन किया है 6500 बाइक्स का। तो आप लोग देखिए कि कितना ज्यादा फर्क है, कहां 1500 बाइक्स पर मंथ बना करती थी और अब लगभग 6000 बाइक्स पर मंथ बन रही है। तो 4 गुना कैपेसिटी बढ़ा दी गई है रिवोल्ट मोटर्स की, रतन इंडिया ने एक काम कर दिखाया है। रिवोल्ट मोटर्स खुद से भी काम कर सकती थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ना कुछ कमी रही है, मैनेजमेंट में कमी रही होगी या सीईओ की कमी रहेगी या कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जो कि रिवोल्ट मोटर्स ये काम नहीं कर सके, लेकिन रतन इंडिया ने ये काम कर दिखाया। तो अब ये दिखाता है कि जो रतन इंडिया है कितनी सीरियस है अपने रिवोल्ट के कस्टमर्स के प्रति, रिवोल्ट मोटर्स के प्रति। तो ये सारी चीजें हमें इसमें नजर आती हैं। एंड दोस्तों, ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है ये तो अभी उसी प्लांट में जिसमें रिवोल्ट पहले से ही अपनी बाइक्स बनाता है, ये उसी प्लांट में बन रही है। मगर इसके अलावा दोस्तों और भी प्लांट खोलने के चक्कर में अभी रिवोल्ट मोटर्स है, हरियाणा में जगह देखी जा रही है, नोएडा में जगह देखी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी अभी बढ़ने वाली है। अब ये कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ी है, इससे दोस्तों फ़ायदा किसको है, फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो कि रिवोल्ट खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, जिन लोगों ने बहुत पहले से बुकिंग कर रखी थी। पहले लोगों को 4 महीने, 6 महीने या 1-1 साल तक वेट करना पड़ता था बाइक की डिलीवरी के लिए, लेकिन अब ऑन टाइम डिलीवरी शुरू हो चुकी है रिवोल्ट की तरफ से, एंड ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब मैंने बाइक खरीदी थी तब मुझे भी 3 महीने का टाइम बताया गया था, लेकिन 3 महीने से भी खींच खींच करके जब मैंने बार बार उन्हें परेशान किया तब जाकर के करीब 4 महीने में मुझे बाइक मिल पाई थी। एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनको 6 महीने, 8 महीने, 1-1 साल तक वेट करना पड़ा है बाइक के लिए। तो ये हालत रिवोल्ट की थी, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है। तो इसके लिए अब रिवोल्ट को मैं बोलूँगा कि यार बधाई देनी चाहिए कि अच्छा काम रिवोल्ट ने किया है, एक्चुअली रतन इंडिया ने किया है रिवोल्ट को एक्वायर करके उनके कस्टमर्स के लिए, तो बहुत बढ़िया ये काम हुआ है। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही था कि रिवोल्ट की कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है डिलीवरी के लिए, टाइम टू टाइम डिलीवरी मिल पा रही है लोगों को। सोचिए, सिर्फ 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है, उसी से ये जो डिलीवरी का जो गैप था ना, टाइम था, ये कम हो गया, बहुत कम हो गया, टाइम से डिलीवरी लोगों को मिल पा रही है, एंड अब आगे भी सेल और अच्छी हो पाएगी। एंड जैसे कि मैंने मार्च के महीने की सेल्स रिपोर्ट दी थी तो उसमें 10वें नंबर पर रिवोल्ट मोटर्स आ पहुंची है, कहां 20 से भी बाहर थी, 20 नंबर से भी बाहर थी रिवोल्ट मोटर्स। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही था। दूसरा पॉइंट है स्वाइप टू स्टार्ट एंड और फीचर्स को लेकर के। तो दोस्तों, स्वाइप टू स्टार्ट एक मोस्ट अवेटेड फीचर था रिवोल्ट आरवी 400 का, जो कि कस्टमर्स वेट कर रहे थे कि रिवोल्ट कब ये फीचर लेकर के आएगा अपने कस्टमर्स के लिए। तो रतन इंडिया ने एक्वायर करने के बाद सबसे पहले यही काम किया कि इन्होंने स्वाइप टू स्टार्ट जैसे फीचर्स को अनाउंस कर दिया। स्वाइप टू स्टार्ट के साथ साथ और भी कुछ फीचर्स हैं, बट मोस्ट अवेटेड फीचर इनका यही था एंड सबसे ज़्यादा कामयाब भी यही है। तो रतन इंडिया ने यही किया कि ये स्वाइप टू स्टार्ट फीचर लेकर के आए,
एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मगर दोस्तों एक कमी ये रही कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, लॉन्च करना चाहिए था, सबकी बाइक में इंस्टॉल करना चाहिए था फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये अलग मुद्दा है कि पैसे देने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट ये लोग फीचर लेकर के आए, ये अपग्रेड लेकर के आए हैं। अगर आप लोग भी अपनी बाइक में ये फीचर लाना चाहते हैं, अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो आप लोग सर्विस सेंटर में जा करके अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो जो भी है, रतन इंडिया ने ये बदलाव किया है एंड ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे थे। अब जो पैसे दे करके इसको फीचर को खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यार फ्री मिलना चाहिए, तो वो लोग पैसे देने को तैयार नहीं। मैं भी नहीं दूंगा भैया पैसे, क्योंकि फ्री मिलना चाहिए था ये फीचर। तो जो भी है, ये अच्छा काम एक रिवोल्ट ने किया है, ये इसको आप अच्छे में भी डाल सकते हैं, बुरे में भी डाल सकते हैं, क्योंकि फीचर ले करके आए हैं लेकिन उसके लिए पैसे भी ले रहे हैं। तो खैर, ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा बड़ा बदलाव है दोस्तों, पंकज शर्मा। अब ये पंकज शर्मा कौन है, इस पर मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो पंकज शर्मा दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक में थे पहले, एंड ओला इलेक्ट्रिक में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सर्विसेज के इंडिया हेड थे। तो सोचिए कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास थी। तो वहां से इन्होंने लास्ट ईयर छोड़ दिया था, एंड अब रिवोल्ट ने इनको अपॉइंट किया है चीफ बिजनेस ऑफिसर के तौर पर। एक तरह से ये मान लीजिए कि रिवोल्ट का पूरा बिजनेस इन्हीं के हाथ में अब है, तो उसी को ये संभालेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि रिवोल्ट ने, या यूं कहें कि रतन इंडिया ने कितने सारे बड़े बदलाव किए हैं रिवोल्ट मोटर्स में, जब से इन्होंने एक्वायर किया है। एंड ये सारा काम जो दोस्तों पिछले 50 से 60 दिनों के अंदर ही हुआ है, तो इतने सारे बदलाव किए गए हैं। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है कि इतने सारे काम हो रहे हैं, इतने बदलाव हो रहे हैं, मगर सर्विस का क्या सर्विस इंप्रूव हो पाई है रिवोल्ट मोटर्स की? तो देखिए दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पिछले काफी समय से नहीं गया हूं, एटलीस्ट जब से रिवोल्ट को एक्वायर किया गया रतन इंडिया द्वारा, तब से तो मैं नहीं जा पाया हूं सर्विस सेंटर। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो मगर मुझे पता है, क्योंकि लोग काफी कंप्लेंट करते हैं कि जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है अभी पहले की तरह ही है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे सर्विस सेंटर्स पर। तो लोगों की बाइक्स एक एक महीने दो दो महीनों से बंद पड़ी है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो अभी सर्विस सेंटर्स में प्रॉब्लम है पहले की तरह ही, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले की तरह ही स्थिति बनी हुई है। मगर दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि इतने सारे बदलाव अगर रतन इंडिया कर रही है रिवोल्ट मोटर्स में, तो सर्विस सेंटर्स में भी सुधार आएगा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी हो पाएगी आने वाले कुछ दिनों में, यही मैं उम्मीद कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है जब से रतन इंडिया ने एक्वायर किया है रिवोल्ट मोटर्स को, मगर दोस्तों आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि रिवोल्ट, जिनके पास रिवोल्ट RV 400 है, एंड आप लोग सर्विस सेंटर्स जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जब से रिवोल्ट खरीदी गई है रतन इंडिया द्वारा, एक्वायर की गई है, उसके बाद से सर्विस में क्या कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या पहले की जैसी स्थिति बनी हुई है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।